गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सिद्देश। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गोएंकार सिड पर एक नए फ्रेश कमाल ब्लॉग में। आज मैं जा रहा हूं मेरे एक खास जगह पर जिसका नाम है जसिंतो आइलैंड। ये जगह इसलिए खास है क्योंकि यहां पर जाकर एक अलग तरह का सुकून महसूस होता है, एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। सो लेट्स गो। दोस्तों, ये जगह करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे घर से, तो 15 से 17 मिनट लगते हैं यहाँ पे पहुँचने के लिए। अभी सुबह का टाइम है तो हमें करीब 10 मिनट लगे। इस आइलैंड की एरिया बहुत छोटी है कंपैरेटिवली, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इस एरिया की हिस्ट्री बड़ी खूबसूरत है। दोस्तों, ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ये पहले यहाँ पर नहीं था ऑब्वियसली, तो बहुत सालों पहले मिट्टी और पत्थर पर पैर रख कर ही लोग इस पार या उस पार जाते थे। दोस्तों, ये जो ब्रिज आप देख रहे हो जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इसे सिल्वर गेट कहा जाता है। दिस कनेक्ट्स गोवा टू दिस आइलैंड। तो इस आइलैंड की एरिया जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, सिर्फ इतनी है। दिस इज अ वेरी स्मॉल आइलैंड, लेकिन इस आइलैंड की खास बात ये है कि यहाँ के जो लोकल्स रहते हैं उन्होंने सन 1927 में एक वाव लिया था, मतलब एक शपथ ली थी कि वे अपनी जगह, अपनी प्रॉपर्टी किसी बाहर वाले को नहीं बेचेंगे, और इसी कारण इस आइलैंड पर एक भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं आया है। आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ लोकल्स रहते हैं, ये वाले यहाँ पर सिर्फ लोकल्स हैं, और यहाँ पर एक चर्च है, और इसी कारण इस आइलैंड की खूबसूरती अभी भी बरकरार है। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पर मैं सुकून से बैठता हूँ इस चर्च के सामने। दिस इज वेरी पीसफुल। दोस्तों, इस चर्च को हम सेंट जसिंतो चर्च के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल्स इस चर्च को सेंट हैसिंथी कैथेड्रल चर्च के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं जब भी डिस्टर्ब होता हूँ या फिर टायर्ड होता हूँ तो इसी जगह पे आ जाता हूँ टू फाइंड पीस, एंड दिस इज़ रियली पीसफुल। और यहाँ पे और एक मज़ेदार जगह है जो, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर। दोस्तों, हम इस रोड से भी जा सकते हैं और इस रोड से भी, because this both roads are connected, so I'll be going by this way from the left side of the church.
Hey friends, I'm at the top of St. Jacinto Island. You can see here the chapel. This is St. Dominic Chapel. Look at this. This is a beautiful place. Full thing. दोस्तों यहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया कि ये चैपल 250 सालों से भी पुराना है और इसके अंदर एक टनल भी है, लेकिन अभी तो हम लोग देख नहीं सकते बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड नाउ और ये जंगल भी बहुत घना हो गया है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही पुराना टूटा हुआ घर है और उसके पीछे एक लाइट हाउस है यहाँ पर। चलिए वहाँ चलते हैं। लुक एट दिस लाइट हाउस गाइस, इट्स ऑसम। आई एम इन द आर्म्स ऑफ नेचर माय फ्रेंड्स, लुक एट दिस ब्यूटिफुल व्यू। राइट नाउ आई एम एट द टॉप ऑफ दिस लाइट हाउस। This is awesome. दोस्तों यहाँ के लोकल्स ने मुझे ये भी बताया कि इस चैपल के अंदर जो टनल है वो नदी के नीचे से जाकर दूसरी ओर खुलता है और उस जगह का नाम है सिरिदाव और वहाँ पर भी एक चैपल है जिसका नाम है जीसस नजारेथ चैपल। उसके पीछे सिरिदाव बीच है तो इस टनल की दूसरी ओपनिंग वहाँ पर है, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। Hey friends, I have now reached Sirdaon Beach. Look at this, beautiful. Friends, according to the locals, the tunnel is at the end of the beach. So let's go. दोस्तों ये जो छोटा सा आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है ये है सेंट जसिंतो आइलैंड, जहाँ पर मैं कुछ देर पहले था और अभी फ़िलहाल मैं हूँ सिरिदाव बीच पे। ये देखिए, और ये है वो टनल जिसकी एक ओपनिंग जसिंतो आइलैंड पे है और दूसरी ओपनिंग यहाँ पर है। देखिए ये टनल बहुत ही ज़्यादा पुराना है, करीब 400-500 सालों से भी पुराना। सो आई गेस नाउ इट इज़ कोलैप्स्ड एंड यू कैन सी इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज्ड। एक काम करता हूँ, मैं आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर से मैप्स पे दिखाता हूँ, एक मिनट। सो नाउ लेट्स ओपन गूगल मैप्स। सो दिस इज़ वास्को डा गामा एंड दिस इज़ सेंट जसिंतो आइलैंड चर्च। उसके सामने ऊपर है सिरिदाव चैपल। मैं आपको स्क्रीनशॉट मार के दिखाता हूँ, एक मिनट।
So this is from here, Sirdown to the church, St. Jacinto Island. So you can see, this is the underwater tunnel route. I mean, hats off to those workers who created this without any modern equipments. It's really great. Hey friends, if you like this video, please hit the like button and comment your views below. Share this video and do subscribe GOENKAR SID, my channel. Till then, dosto, take care, goodbye. Phir milenge agle video. Namaskar.